जम्मू के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में मुठभेड़ के बाद आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 38 घंटे से सेना के जवान पूरे दलबल के साथ आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। चूंकि बारिश का सीजन है और जंगल हरे भरे हो चुके हैं, जिसका फायदा आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए सेना के जाबाज कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल जम्मू कश्मीर में अमन चैन को लेकर आतंकवादी बौखला गए हैं। घाटी के युवाओं के चेहरे पर लौटी खुशी को अब आतंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कई दशक बाद घाटी को लेकर पूरी दुनिया के नजरिए में आए बदलाव को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि नापाक दहशतगर्द हर हाल में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही आतंकी बिलबिलाने लगे हैं। यही वजह है कि आए दिनों आतंकी घुसपैठ की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन अब ये नया कश्मीर है, अब कश्मीर के युवा अमन चैन चाहते हैं। ऐसे में अब दहशतगर्दों को यहां भी करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर में अतिरिक्त सैनिक को तैनात किया गया है। पुंछ, रजौरी, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर जिलों सहित तमाम जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना ने 4000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इनमें विशिष्ट पैरा कमांडो और गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित लोग शामिल हैं। कल हमें थोड़ी स्पेसिफिक सूचना मिली मोमो के बारे में, और उसके बाद हमने सीरिया का जो खनेड एरिया है उसका कॉर्डन किया है। काफ़ी पहाड़ी इलाका है और आजकल जो है जंगल के साथ साथ आसपास होने के हैबिटेशन के पास मक्की की फसल भी जो है वो भी लगी हुई है, तो इसके चलते जो है हमारा जो कॉर्डन है वो बड़ा डेलिबरेट तरीके से चला। और कल मॉर्निंग में हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था फॉर्मली, इसके चलते तकरीबन 4:30 बजे जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ, और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे में दो बार जो है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। अभी भी जो हमारी खबर है कि एक ग्रुप जो है वो हमारे कॉर्डन के अंदर फंसा हुआ है, और उसी के चलते यहाँ पर दूसरे दिन का ऑपरेशन जो है चल रहा है, और हमारी सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी की पार्टीज जो हैं वो लगातार पूरे एरिया में एक प्रेजेंस जो है बनाए रखी। देखो कितना कैसा ये एरिया है, किस तरह का टेरिटरी है यहाँ पे, और कितना देखिए जैसे मैंने कहा कि टेरेन जो है वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, काफ़ी यहाँ पर डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं। आजकल जो मौसम भी जो है वो काफ़ी क्लाउडी रेनी है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं फॉगी भी काफ़ी कंडीशंस हैं, तो हमारी विजिबिलिटी भी जो है वो लिमिटेड है। और उसके बावजूद जो ये ग्रुप काम कर रहे हैं, और फिलहाल हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से अजय जानियाल की रिपोर्ट देखिए। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जंगल के इलाके में वहां से भागने में कामयाब रहे हैं, मगर अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 4 से 5 आतंकी जो हैं वो इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और आतंकी जो जंगल में छुपे थे उनके साथ जो है मुठभेड़ शुरू हुई। मगर रात को जब अंधेरा हुआ, जंगल घना था, वहां से आतंकी भागने में कामयाब रहे, और अब जो सूचना है वहां से एक अलग जो जंगल का इलाका है वहां पर ये आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं। पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया है, सीनियर अफसर जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिसमें आपको बता दूँ कि SSP उधमपुर और DIG उधमपुर रियासी रेंज जो हैं वो मौके पे खुद मौजूद हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर हैं, और कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को वहां पर मार गिराया जा सके। दरअसल पिछले कुछ समय में आतंकियों ने घुसपैठ कर जम्मू में लगातार जंगलों में अपना डेरा जो है वो जमाया हुआ है, और जब भी उन्हें पाकिस्तान से इशारा मिलता है तो आतंकी घटनाओं को अंजाम ये आतंकी देते हैं। मगर सुरक्षा बलों ने भी लगातार इलाके में ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द
इन आतंकियों का सफाया हो सके। 4 से 5 जैशे मोहम्मद के आतंकी जो हैं इस इलाके में छुपे होने की खबर कल सुबह सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी। अब पूरे इलाके में, एक तरफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है जहाँ पर कुछ समय पहले सेना के एक काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई थी, और दूसरी तरफ जो है उधमपुर के बसंतगढ़ का वो इलाका जहाँ आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। यहाँ छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद तेज की गई है, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो है आपको बता दूं कि 15 अगस्त के मौके पर जो मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, जहां हर घर तिरंगा लहराने की बात हो रही है, ये पाकिस्तान को गवारा नहीं, और पाकिस्तान इसीलिए जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू में आतंकी घटनाओं को तेज करने के प्रयास कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके और जम्मू कश्मीर में जो तरक्की का दौर शुरू हुआ है, शांति का दौर शुरू हुआ है, उसे थमा जा सके। मंडीडीगरा के साथ अजय दयाल, इंडिया न्यूज जम्मू। इसके साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चांडियाल जम्मू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, रविंद्र पंडित कश्मीर एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एस के सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले अजय चांडियाल के पास हम जाएंगे। अजय, क्या जानकारी मिल रही है, सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्या स्थितियाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में है? 15 अगस्त तक अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर, और हम देख रहे हैं इस बीच पिछले कुछ वक्त में घुसपैठ की जो लगातार कोशिशें हो रही हैं वो साफ बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, और यहीं दूसरी तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से देश कामयाब, सेना कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू खित्ते में खासतौर पर बढ़ी हैं वो बताती हैं कि बौखलाहट जो पाकिस्तान की है वो एक अलग लेवल पे पहुंची है, क्योंकि पाकिस्तान मासूम बच्चे, महिलाओं और लोगों को जो है वो उसके साथ साथ सुरक्षा बलों को टारगेट करने का लगातार जो कोशिशें कर रहा है, और पिछले कुछ समय में देखें तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में जहां कभी आतंकवाद का नाम नहीं था, ऐसे इलाकों में आतंकी हमलों को अंजाम देके पाकिस्तान ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बदले, जम्मू कश्मीर में शांति का दौर शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में चुनावों में बंपर वोटिंग जो है वो लोगों ने की, लोग जो हैं वो शामिल हुए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ, और बड़े लेवल पर कश्मीर के उन इलाकों में जहां कुछ होता ही नहीं था, वोटिंग कभी लोगों ने की नहीं थी, वो लोग जब इस चीज़ में शमूलियत उन्होंने की, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की एक अलग तस्वीर दुनिया को दिखाता था, वो तस्वीर जब गलत साबित हुई तो पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकी हमलों को तेज़ करने के लिए सरहद पार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है आतंकियों को यहां भेजने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो जो हैं उनको यहां भेजा जा रहा है ताकि आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके और आतंकी हमले तेज किए जा सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में की शांति जो है वो दुनिया देखनी नहीं चाहिए, वो शांति जो है अगर लोगों को जो मिल रही है, चाहे वो पत्थरबाजी थी, चाहे वो अलगाववाद था या बंद की कॉल थी, उसके बगैर जो नया कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर अच्छा लगने लगेगा तो पाकिस्तान को वो कभी गवारा नहीं देगा। इसीलिए लगातार इस तरह की कोशिशें अजय कहीं ना कहीं की जा रही हैं। रविंद्र पंडित हमारे साथ हैं। रविंद्र पंडित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के हालात जम्मू में कुछ दिनों से बन रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार वहां पर आतंकवाद एक्टिव हो रहा है, और जो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है 60 से 70 आतंकवादी जम्मू में एक्टिव हुए हैं, आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? जो इलाका 2 साल पहले शांत था, अब वहां पर इस तरह की स्थितियां अगर बन रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जेएनके में इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, एलओसी भी है, एलएसी भी है, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, और पाकिस्तान जो चला रहा है अभी अपना गेम, पहले से ही एक ऑपरेशन टोपैक बना हुआ है कि हिंदुस्तान को, भारत को तंग किया जाए, 1000 cuts टू इंडिया, ऐसे जनरल जियाउल हक का जो भी उनकी ISI जा रही है कि, और वो मेन बात है, जब जब यहाँ पे कोई मेन जो इवेंट होता है, जैसे अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, या अभी जम्मू में एक और फैशन शो आने वाला है 10 तारीख को, तो ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि जे एंड के फिर भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें जो है
बड़ी अफरा तफरी चल रही है जी, यहाँ पे लोग नाखुश हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है कि हवा बदली है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी टाइट है। जो पहले के दिनों में दिखाई पड़ रहा था हमें 1986 से ही लेके 1990 के दौर पे और बाद में 1990 से आज तक 34 साल में, तो वो चीज नहीं है अब। और जो आतंकवाद, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 से 10% जो आतंकवाद के साथ, मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बिल्कुल एक रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल, कि किस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को और किस तरह से उनका जो है एक बड़ा रोल रहता है। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर 10% लोग जो है, हम 90% जो बाकी लोग हैं, सारे कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, सारे अलगाववाद नहीं है, बहुत हवा बदली है। तो उन लोगों को ये चाहिए कि उनकी जो 10% लोगों की हरकतें हैं उनको किस तरह से हम ओवरशेडो करें, हम इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट करें। आज से ही हमारी जो है तलाशी अभियान शुरू हुआ है, बख्शी स्टेडियम में मुख्य एक कार्यक्रम होने जा रहा है 15 अगस्त को, और आज से ही हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन ने एक्शन ली है कि सभी लोगों की तलाशियां ली जा रही हैं, सभी गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, सब वाहनों की। तो ये सख्ती से हमारी भी आर्मी बैठी है जी LOC के ऊपर, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त टफ कंडीशंस में, क्योंकि ये मिलिटेंट्स जो आते हैं ना जी, ये समर की नींदों में ही आते हैं, क्योंकि इन्हें जब भी बर्फ पिघलती है ना तो इन्हें वो पासिस और वो सारे जो रेकी जो इन्होंने करी होती है, कहाँ कहाँ से घुसना है, वो इनको आसानी से मिलता है वो पास इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो ये जो हमने रोकना है बेसिकली, LOC बड़ी कोरस है, मैं खुद LOC पे जा रहा हूँ पिछले 5 वर्ष से, मैं देख रहा हूँ इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकें, और ये 5-10% लोग अपना काम करते रहेंगे, ये टोटली एलिमिनेट नहीं होएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। पर जो जमीनी एक आबोहवा थी वहां पे पहले 3 साल पहले 4 साल पहले कि एक आम नागरिक का जीना हराम हो गया था, वो आज दिखने को नहीं मिल रहा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी जो है सरकारी निजाम जो है, सरकारी कामकाज वो बड़ा अच्छा चल रहा है। 65% जो हमारे युवा है, 65% यूथ, वो नहीं चाहते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ लगे, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लगे, G20 के कार्यक्रम हुए, स्पोर्ट्स के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल भी, तो वो चाह रहे हैं कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें। पर ये 5 और 10% जो लोग हैं ये करने नहीं देंगे, पाकिस्तान की शह पे ये कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ मचाएंगे। पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क हैं, 3-टायर सिस्टम बहुत परफेक्ट है। ये आतंकवाद पर ऐसा खेल है जिसमें आप देख रहे हैं, दे कैन नॉट फेस अस फ्रंटल, अवर आर्मी एंड अवर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो पीछे से वार करना एक बड़ा आसान रहता है। और लोकल्स का बहुत बड़ा रोल है, मैं आखिर में बताऊंगा। जैसे मैं अपनी साइड की बात करूंगा, हमने टीटवाल में जो 4 टेंपल बनाया, हम उधर ही रहते हैं, मैं तो खजा मोहल्ला में रहता हूँ, अभी कुछ समय के लिए लेके आया हूँ, मैंने वहां पे देखा, अगर लोग उन इन्फिल्ट्रेटर्स को, उन टेररिस्ट को शह नहीं दे, मना ना दे, ठीक है, आप बड़ा कठिन होता है, आप जो लोकल्स, लोग अगर उनको सपोर्ट देंगे, हाँ, तो ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। हाँ, यही सबसे बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र पंडिता जी, ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है सेना के सामने। लोकल्स अगर वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर स्थितियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। AK सिंह साहब जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जिन बातों का जिक्र रविंद्र पंडिता जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो 5 से 10% लोग हैं इन्हें लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है, और ये 5 से 10% लोग ही हैं जो सारा काम खराब कर रहे हैं। इन 5 से 10% लोगों को इनका सफाया कैसे हो, ये कैसे इनका खात्मा हो जिससे कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, और लोकल्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोकल्स का सपोर्ट खत्म नहीं होगा आप जम्मू से आतंकवाद खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो रविंदर जी ने भी बोला ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी इंसर्जेंसी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ईस्ट हो, कहीं भी विश्व में कहीं पर भी हो, जब तक कि लोकल सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा
कोई भी इंसर्जेंसी जो है चल नहीं सकती है। तो इसका मतलब है चाहे वो 5-10% हो 20% हो, जितने बात परसेंटेज की नहीं है, बात इसकी है कि लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं इन लोगों को मिल रहा है। उसमें OGW भी है, OGW एकदम से अभी एक्टिवेट हो गए इस साथ, इससे पहले 2-3 साल देखिए घटनाएं इतनी नहीं। अगर आप इसके पीछे थोड़ा सा जाए तो बैकग्राउंड भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कारण क्यों है। कारण एक तो बहुत बड़ा कारण है कि इस साल स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, सितंबर से पहले पहले, यानी कि अगले 1.5 महीने में इलेक्शन होंगे, तो वो तो एक है, क्योंकि एक मैसेज आर्टिकल 370 हटने के बाद एक पूरे विश्व में मैसेज जाएगा, और खासतौर पर पाकिस्तान इस चीज को नाकामयाब होने देना चाहता है कि इलेक्शन जो है यहाँ पर किसी तरीके से शांतिपूर्ण ना जाए, जिससे ये मैसेज जाए इंटरनेशनली कि देखिए JNK जो है अभी भी डिस्प्यूट है, वहाँ की आवाम जो है नहीं चाहती है भारत के साथ रहना, तो वो एक प्रोजेक्शन है, वो ISI का अपना रोल है, वो अपने में करे लगे हुए हैं। दूसरा देखिए वैली के अगर आपने श्रीनगर में इतनी शांति थी पिछले 2-3 साल से, छुटपुट घटनाएं खैर होती रही हैं वहाँ पर, तो एक तरीके का कॉम्प्लीसेंसी होने लगा कि भाई ये तो काफी शांति माहौल पूर्ण हो गया है, शांतिपूर्ण माहौल है। तो अब जो पीर पंजाल के साउथ का जो इलाका है जहाँ पर अब जो एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, ये सारा इलाका जो है पूरा जंगलों से है, एक तो ट्रेन उनको सूट कर रहा है, प्लस यहाँ के जितने स्लीपर सेल थे, OGWs थे, उन सब जो है अभी एक्टिवेटेड है, और लोकल खास तौर पर सपोर्ट। और अगला कारण ये रहा है कि जो 16 कोर का जो इलाका है यहाँ पर कुछ एक बटालियन है, जो RR बटालियन जो कि जमीन पर थी, गाँव में थी, जिनका नेटवर्क इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा था, जिनके सोर्सेज थे, उनको जो है चाइनीज LAC के ऊपर जो है भेजा गया, तो वो भी थिनिंग आउट कुछ हुआ है। कारण ये था कि यहाँ पे पीसफुल माहौल था, इस वजह से उठाया गया, अब जो है वो वापस वो जो है डिप्लॉय किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में चीजों को कंट्रोल में लिया जाएगा। और इन्फिल्ट्रेशन, रविंद्र जी ने भी बोला इन्फिल्ट्रेशन, यस इन्फिल्ट्रेशन 100% नहीं रोकी जा सकती है, इन्फिल्ट्रेशन जरूर हो रही है और काफी मात्रा में हो रही है, नहीं तो ये इतने सारे अचानक से ये टेररिस्ट कहाँ से आ गए। इसमें मेरे पास जो खबर आई है कि ये भी है कि इनके कमांडोज भी शामिल हैं कुछ हद तक, फ्यू ऑफ देम पाकिस्तान के, और काफी कमांडो जो है क्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वेट कर रहे हैं अंदर आने के लिए। तो आगे आने वाले समय में जब तक कि इलेक्शन नहीं होता है, 15 अगस्त भी है उसके बाद इलेक्शन होना है, तो ये माहौल आगे हो सकता है और बिगड़े। लेकिन अभी इंडियन आर्मी जो है उसको पूरे काबू में अब कर चुकी है, अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइप के इंसिडेंट्स ज्यादा अब नहीं होंगे, क्योंकि जमीनी हालात पे वापस हम लोग उसी स्तर पर आ गए हैं जो कि आज से 1-2 साल पहले। ठीक है रविंद्र पंडिता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी जिन बातों का जिक्र SK सिंह साहब कर रहे हैं, आने वाले वक्त में स्थितियां जो है वो सुधरेंगी, और आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो, और अभी हाल ही लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शायद ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को रास नहीं आई, एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो छेड़ने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हम देख रहे हैं कि आतंकियों का एक तरह से जिस तरह से घुसपैठ होती है वो पूरी तरह से स्ट्रेटजी बदली है, किस तरह के जो हथियार हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियार आतंकवादियों के पास अगर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी मदद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है, वहाँ की सेना की तरफ से मिल रही है, तभी ये घुसपैठ जो है वो बढ़ी है। ऐसे में चुनौतियां आप क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और वहां के प्रशासन सेना के सामने? देखिए जी, ये कहना बार बार दोहराना कि पाकिस्तान कर रहा है, इससे तो ऑब्वियस ही है ना कि हमारी LOC जो है वो तो पाकिस्तान के साथ ही टच कर रही है ना, वो कोई स्विट्जरलैंड के साथ या कोई और मुल्क के साथ नहीं है, तो ये इट्स ऑब्वियस जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, असला भिजवा रहा है अंदर और टेररिस्टों को भिजवा रहा है, वो एक रणनीति के तहत है ना जी। तो वो उनका जो ISI है वहां पे, वो भी अपना इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं ना जी, किस तरह से अपरा तफरी फैला लिए, किस तरह से न्यूशंस क्रिएट करना है अपने JNK स्टेट में। मैं बार बार अपनी सिविल सोसाइटी जो हमारी है POK की, मैं उनसे बार बार उनके साथ भी
बातचीत करता रहता हूँ, मैंने बार बार ये पॉइंट उठाया कि आप लोगों ने हमारे कश्मीर घाटी को जो है ना 10 जिला को जो है बैटल ग्राउंड बनाया। हम अगर आजादी की बात कर रहे हैं और आप लोग भी आजादी की बात कर रहे हैं तो फिर पूरे अर्स्टवाइल J&K की बात होनी चाहिए ना। अगर आप लोगों ने यहाँ हमारे 10,000 फौजी मारे, 1,00,000 सिविलियन लोग मारे मुस्लिम, 753 कश्मीरी पंडित मारे, 57 सिख मारे, तो ये उधर क्यों नहीं एक भी POJ के में मार रहे हैं आप? तो आजादी तो फिर पूरे की लेनी है ना, गिलगित बल्टिस्तान को लेके, अक्साई चिन को लेके, दर्दिस्तान को लेके, सब जगह को लेके। ये एक स्पेसिफिक देखिए इनका टारगेट है कि किस तरह से कहां पे इनको सपोर्ट मिल रहा है। लद्दाख में तो नहीं करवा रहे हैं, जम्मू में भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे, जम्मू के अपर रीजन में जहां इनको सपोर्ट दिख रहा है राजौरी पुंछ बेल्ट में जो हमारा LOC के साथ टच कर रहा है, तो वहां का मैक्सिमम जम्मू का हिस्सा ही हमारा ऑक्युपाइड है ना जी। कश्मीर घाटी से ज्यादा हिस्सा जो जम्मू का ऑक्युपाइड है एक्चुअली POJ के। तो जम्मू में अब इन्होंने सीन इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि हमारी जो है पिछले एक दिहाई से हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी सी सबड्यूड लग रही थी कि वहां पे कोई आतंकी हमला या इस तरह की गतिविधि नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा मशीनरी जो है एक स्टेबल जैसी लग रही थी, एक्टिव नहीं हो रही थी। अब हमें फिर एक्टिवेट करना पड़ा 16 कोर को, जैसे अभी इन्होंने भी बताया हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने। अब 15 कोर जो है हमारे चिनार की वो कश्मीर डिविजन में संभाग में वो ऑलरेडी एक्टिव है, तो इन्होंने क्वाडा बेल्ट से भी थोड़ा अटैक शुरू किया वो इधर जम्मू रीजन में भी, दो इन्होंने रीजन्स पकड़े जहां पे हमें भी खबर है कुछ घुसपैठी गुस्से हैं। पर फिर बात मैं दोहरा रहा हूँ, चुनौती हमारे सामने ये है कि जो 85% लोड वर्ग है जिसमें हमारे 65% युवा है, हमें ऐसे कार्यक्रम करने हैं, हमारी सरकार ने ऐसे स्टेप उठाने कि वो किस तरह से मेन स्ट्रीम में आए। ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में करने की जरूरत है कि जो युवा हैं वो मेन स्ट्रीम से जोड़े जा सकें, और कई युवा जो हैं उनके सामने तमाम रोजगार के ऑप्शन जो है वो पिछले वक्त से बने भी हैं, उन्होंने रोजगार के तमाम अवसर तलाशने शुरू भी किए हैं। के सिंह साहब, देखिए ऐसे कार्यक्रम करने की तो जरूरत है ही जिससे युवा जो है वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, और हमने देखा है और तमाम रिपोर्ट्स भी हमने अपने जरिए दिखाई हैं कि एक वक्त पर जो युवा पत्थरबाजी में शामिल था वो आज किस तरह से रोजगार के तमाम साधन जो है वो बना रहा है और रोजगार वहां पर कर रहा है। लेकिन ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो लोकल्स को लेकर कहा जा रहा है कि अगर लोकल्स का सपोर्ट जो है वो अगर टेररिस्ट को मिल रहा है जिससे घुसपैठ बढ़ रही है, उन्हें यहाँ पर रहने के लिए सहूलतें मिल रही हैं, ऐसे में सेना की तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं जो अभी तक स्थितियां जम्मू में इस तरह की हैं कि हम देख रहे हैं कि आए दिन वहां पर घुसपैठ होती है और आए दिन इस तरह के हालात बनते हैं कि सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और कई आतंकियों को मारा भी गया है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो चैलेंजेस जहां तक आर्मी रिलेटेड हैं, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल जीरो किया जाए, यानी कि हमें सतर्कता हमारी LOC के ऊपर जो है वहां भी सतर्कता होनी और ज्यादा की जरूरत है। अगर वहां पे सर्विलेंस डिवाइसेस कुछ गैप्स हैं, मतलब 100% पे फौजी वहां पे नहीं मौजूद हो सकता है, तो उनको सर्विलेंस इक्विपमेंट के द्वारा, अब तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आ गई है, उनका इंडक्शन होना और बॉर्डर को हमें चुस्त करके रखना जिससे कि इस इन्फिल्ट्रेशन को कम से कम जो है मिनिमाइज किया जा सके, अगर जीरो न किया जा सके तो कम बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। दूसरी चुनौती है हमारी हिंटरलैंड में देखिए हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। एक सिविलियन जो है सपोर्ट कर सकता है किसी वजह से, या कंध दिखा के कोई भी किसी के घर में घुस आएगा तो वो सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो बहुत दुरुस्त होने की जरूरत है, तो वो हमें और टाइट करनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी भी फुली नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश अभी तक शायद नहीं हो पाया है। ये दो चैलेंज है हिंटरलैंड में और LAC, अगर हम इस पर कामयाब रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस टाइप की घटनाएं और भी काफी कम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से AK सिंह साहब की तरफ से ये कहा गया कि सबसे पहले तो घुसपैठ कम करने की कोशिश होनी चाहिए सेना की तरफ से, और दूसरा वो बड़ी जानकारी कि इंटेलिजेंस हमारा और ज़्यादा स्ट्रांग हो ताकि अगर घुसपैठ हो भी रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।